विधानसभा में मैं अध्यक्ष के पास जा रहा था, उस समय गेट पे पुलिस वालों ने मेरे को मारधाड़ करी। मारने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि साथी मेरा क्षेत्र का मामला क्या, मैं यहाँ। खबर है मध्य प्रदेश विधानसभा की। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायक पांची लाल मीणा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा में पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिरोंज भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने धक्का मुक्की करते हुए मेरा गला दबा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पांची लाल के आंसू पोंछे। गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस विधायक विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक नारेबाजी करते हुए विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पांची लाल मेड़ा रो पड़े। कांग्रेस ने सदन की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी करी है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भाजपा विधायक पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक पांची लाल मेड़ा को जान का खतरा है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की। बुधवार की तरह गुरुवार को भी सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। प्रश्नकाल के शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायक के साथ बदसलूकी का मुद्दा उठाया। इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर बहस भी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चर्चा करवाने की मांग की। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद हंगामा होता देख मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुरोध पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है, जैसा कांग्रेस का गाना होगा वैसा हमारा बजाना होगा। विपक्ष सदन चलना नहीं देना चाहता, इसका कारण विपक्ष का एक्सपोज होना है। उनके पास कोई वक्ता भी नहीं है, इसलिए सिर्फ हंगामा कर सदन के संचालन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कांग्रेस गुरुवार को भी पोषण आहार को लेकर सीएजी की रिपोर्ट। भोपाल में स्कूल बस में बच्ची के साथ हुई रेप की घटना। धार में शराब माफियाओं द्वारा अफसरों से की गई मारपीट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार थी। बुधवार को सदन में शुरू से ही हंगामा होता रहा। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे पर अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। दोपहर 1:15 बजे तक ही विधानसभा चल सकी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य के बाद विपक्षी विधायक आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए। विधानसभा में अध्यक्ष के पास जा रहा था, उस समय गेट पे पुलिस वालों ने मेरे को मारधाड़ करी। मारने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि साथी मेरा क्षेत्र का मामला क्या, मैं यहाँ